हेलो गाइस, मैं माही आ गई हूँ आपके लिए कुछ स्पेशल मेकअप टिप्स लेकर के, जिसको करने से हमारा जो मेकअप है वो काफ़ी अच्छा एंड शार्प और लॉन्ग लास्टिंग बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ CTM के बारे में। CTM यानी कि क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर। किसी भी मेकअप को करने से पहले क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़रूरी है और एंड उसको बहुत अच्छे तरीके से करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसे क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर के प्रोसेस को हम लोग लाइन बाय लाइन, प्रोसेस बाय कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट गाइस, ये है एक टिश्यू। तो पहले हम लोग एक टिश्यू पेपर लेंगे। आप चाहो तो वेट टिश्यू भी ले सकते हो, और अगर आपके पास वेट टिश्यू नहीं है, एक ड्राई टिश्यू है, तो इसको हम लोग गीला कर लेंगे किसी भी क्लीन वाटर से। ये एक स्प्रे बॉटल है जिसमें मैंने एक क्लीन वाटर डाला हुआ है। तो एक क्लीन वाटर से एक टिश्यू को पहले हम लोग वेट करेंगे, यानी कि गीला करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे क्लिंजिंग मिल्क। तो गाइस, ये है क्लिंजिंग मिल्क, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे, लाइक पूरा अच्छे से क्लीन होना चाहिए। स्प्रे बॉटल में मैंने टोनर रखा है, तो इस टोनर को आप टिश्यू पेपर या कॉटन में ऐसे स्प्रे करके ले सकते हो। ये ग्रीन एप्पल का टोनर है। ये ऑल टाइप ऑफ स्किन में अप्लाई किया जाता है। आप ऑयली स्किन के लिए अलग टोनर एंड ड्राई स्किन के लिए अलग टोनर भी ट्राई कर सकते हो। तो इसको अच्छे से टैप करना है। मेकअप से पहले ये टोनिंग अच्छे से अप्लाई करना पूरे फेस में बहुत ज़रूरी है। टोनर को अच्छे से फेस में ड्राई करने के लिए गाइस, आप इस तरीके का एक फ़ैन यूज़ कर सकते हो, या फिर नॉर्मल फ़ैन के नीचे भी आप टोनर को ड्राई कर सकते हो। बट ये हमारा मेकअप प्रोसेस के ऊपर है, तो मेरे पास ये फ़ैन अवेलेबल है। तो इस फैन की सहायता से मैं अपने फेस में जो टोनर है उसको मैं ड्राई कर लेती हूँ। और ये टोनर जैसे ही हमारे फेस में एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट हम लोग अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर हम अपने लेंगे फेस में, ले करके इसको अप्लाई करेंगे पूरे फेस में, डॉट 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 करके पहले लगाएंगे। और जितनी ज़रूरत हो उतना ही मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए फेस में। जैसे कि मेरा जो फेस है वो टी जोन में ऑयली है, तो मैं क्या करूँगी ना, मैं मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी बट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं यूज़ करूँगी। और जिनका फेस ड्राई होता है वो लोग थोड़ा ज़्यादा मात्रा में टोनर मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे। तो गाइस, इसको इस मॉइस्चराइजर को अच्छे से फेस में अप्लाई करना है। हम लोग अच्छे से अप्लाई करेंगे ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए फेस में। आप देख सकते हो कि मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद हमारा फेस कितना स्मूथ, शाइनिंग एंड सॉफ्ट हो गया है। इसके आगे का जो स्टेप है उसको जानने के लिए आप लोग देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी कि इसके आगे का स्टेप को कैसे फॉलो करना है एंड फेस पे कैसे सही तरीके से अप्लाई करना है। तब तक के लिए बाय बाय।